आचार्य सिंह जी जब अजमेर गर्मी में थे तो नसिया से करीब 2 किलोमीटर दूर कोई शमशान घाट है, उस शमशान घाट में गुरुदेव रात के समय चले जाते थे, यही शाम के समय चले गए। पूरी रात शमशान घाट में मुर्दा जल रहा है, लोगों के अधजले मुर्दे पड़े हैं, कुत्ते बिलबिलाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, और शमशान घाट में खूंखार कुत्तों का आतंक बहुत रहता है, और ऐसे खूंखार कुत्ते कि वो किसी को भी काटने और मारने की सामर्थ्य रखते हैं। इन सब प्रतिकूलताओं को दिमाग में रखने के बावजूद आचार्य भगवंत भी पूज्यपाद स्वामी की वह कारिका इक्षन्ते कांत संवास है निर्जरह जनितादरह, इस सूत्र को अनुभव करने के लिए अजमेर में नसिया छोड़कर के शमशान घाट में जाकर के रात्रि योग स्थापित करते थे। अब सबको तो धक धक धुक धुक लगती, सबका बैराग एक जैसा तो नहीं होता, किसी का कम किसी का ज्यादा। उसमें आचार्य महाराज कोई पाटा नहीं, जैसे ये गुण मणिमाली मुनि महाराज रात्रि योग स्थापन करके जमीन पे लेट गए, ठीक ऐसे ही गुरुदेव उस शमशान में जाकर के पूरी रात निकालते थे बिना पाटे के बंधुओं। एक बार तो गुरुदेव यहां से गए और दूसरे दिन वहीं पे राख पड़ी थी, उसी राख से केस लॉन्च करके और वापस तीसरे दिन उपाश्रय में आए। लोग ढूंढते रहे महाराज कहाँ है, महाराज कहाँ है। उन्होंने देखा कि रात में तो गए थे तो सब ठीक था, सुबह बिल्कुल केश लॉन्च वगैरह सब हो गया है, राख लगी है, उठ करके चले आए। आचार्य सिंह जी से पूछा गुरुदेव, बोले कुछ नहीं, आज केश लॉन्च का समय आ गया था, वहीं पर राख पड़ी थी तो मैंने कहा एकांत भी है, उसी राख से केश लॉन्च किया और वापस चले गए। किसकी सामर्थ है, अभी भेज दो किसी को, जैसे जनता छोड़ के चली जाए ऐसा ऐसा लगता है भैया यहां से कोई आया कि यहां से कोई आया। लेकिन आचार्य श्री जी बहुत धैर्य के साथ साधना को आकार दिया। उन पलों को आप सोचिए मात्र। मुनिराज श्री भूतबली सागर जी से हमारा भी आष्टा में मिलना हुआ तो उन्होंने बताया कि जब हम गुरुदेव के साथ अजमेर में शमशान घाट में गए, पहले दिन कुछ नहीं रहा, शांति से सबकी रात निकली, सबको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, गर्मी है और शमशान घाट में रुके हैं। दूसरे दिन जैसे ही गुरुदेव वहां पर पहुंचे और अंधेरा हुआ, अंधकार छाया, हम सब थोड़ी थोड़ी दूर पर उस शमशान की धरती पर बैठे थे कि भूतबली सागर जी महाराज बताते कि धीरे से जैसे दीपक की बत्तियां जलती है ना, ऐसी बत्तियां आसमान में जलती हुई हम लोगों की परिक्रमा लगाने लगी। अब ऐसी परिक्रमा लगाने लगी, जो भी साधु थे सब धक, ये तो अब भूत आ गए, अब गड़बड़ हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। आचार्य श्री जी ने सिर्फ एक ही बात कही, धैर्य रखना, घबराना मत, शांति से सिर्फ देखो क्या हो रहा है। गुरुदेव आसन लगा करके बैठ गए, हजारों दीपक जलती हुई दीपक की लौ की बत्तियां पूज गुरुदेव के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगी, धीरे धीरे पूरे मुनि संघ के ऊपर परिक्रमा लगाने लगी। पूरी रात उन बत्तियों की परिक्रमा लगाते लगाते निकल गई। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, पूरी रात तो जगते में निकल गई, पता नहीं कब सोए और बत्ती सिरही में गिर जाए, कौन परेशान करे, कौन सोता है। गुरुदेव पूरी रात ध्यान और सामायिक में लीन होकर के आत्मा के उस पवित्र स्वभाव का चिंतन करते रहे। पूरा रात निकल गई बंधुओं गुरुदेव की इस प्रयोग को करते। सुबह उठे, चुपचाप अपने उपाश्रय में आए, स्वाध्याय इत्यादि देव वंदना हुई, आहारचर्या में निकल गए। दोपहर में मुनि महाराज जी लोगों ने निश्चय कर लिया, कल ऐसा विचित्र वातावरण बन गया था, आज वहां पे नहीं जाएंगे, भैया हमसे तो नहीं होगा। तो ऐसी वातावरण बना, आचार्य श्री जी शाम को चुपचाप कमंडल उठाए और फिर वापस चल दिए। कहां, वहीं जहां कल गए थे। अरे कल तो इतना हो रहा था, आज मत जाइए, आप लोग यहीं रुकिए, कोई मना नहीं है, मैं होकर के आता हूं। आचार्य सिंह बहुत सहज में बोलते हैं, आपका साहस नहीं है, धर्मशाला है, उपासरा है, आप बैठिए, मैं होके आता हूं। व्यक्ति भक्ति कितनी लाजवाब होती है। जैसे ही गुरुदेव ने अपना कदम फिर अजमेर के शमशान घाट में जाने के लिए उठाया, दूसरे मुनि महाराज भी कमंडल उठा के चलते बने।
तो एक महाराज जी दूसरे से कहते हैं, क्यों तुम तो कह रहे थे कि डर लगता है। बोले जब गुरु साथ में है तो काय का डरना भैया, पहला दुख तो वो उठाते, बाद में अपन को मिलने वाला है। आचार्यों की सबसे बड़ी खूबी रही है कि जब भी दुख का समय आया है तो पहला पैर आचार्य परमेष्ठी खुद रखते हैं, और सुख के समय में जैसे मुर्गी अपने चूजों को आगे कर देती है, ठीक ऐसे ही गुरुदेव अपने शिष्यों को आगे कर देते, देखो अभी सुख का समय है तो तुम लोग देख लो, दुख का समय आएगा तो मैं आगे कर लूंगा। आचार्यों की खासियत है। गुरुदेव ने जैसे कदम बढ़ाया सारे शिष्य चले गए। लगातार 3 दिन तक इसी तरीके का उपक्रम उस शमशान घाट पे होता रहा। इसी वर्तमान पंचम काल की अभी से 50 साल पहले की घटना है बंधु। और यह जो कथानक मैं आपको सुना रहा हूं वो मणिमाली मुनि महाराज का, ये राजा शेणिक के समय का, भगवान महावीर के समूषण के समय की घटना है बंधु। मणिमाली मुनि महाराज की मुझे तो कई बार लगता है कि मणिमाली महाराज का ये कथानक सुनकर के ही गुरुदेव को प्रेरणा मिली होगी कि जैसे उन्होंने प्रयोग किया है मैं भी प्रयोग करके आऊं। लगातार 8 दिन तक गुरुदेव अजमेर के शमशान घाट में जाकर के और योग साधना करें।